आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर। बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में। कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से। पाले उनसे सुख सारे, क्या होगा क्या होगा कैसे होगा। अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।
ओम शांति। अभी हमारे समक्ष आदरणीय निर्मला दीदी जी हुबली की उपस्थित हैं। हम सभी कर्तक ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी कर्नाटक के हुबली सब जोन की मुख्य संचालिका हैं। दीदी जी का जन्म 1954 में दावणगेरे के व्यापारिक परिवार में हुआ। दीदी जी बचपन से ही पढ़ाई और पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते थे। बचपन से ही उनकी पढ़ाई में उन्होंने बीए और बीएड एलएलबी किया है और एलएलबी में विशेष गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। सत्य की खोज में आपको 1975 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी वर्ष आपने बाप दादा से मिलन भी मनाया और 1976 से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई। आज आपके कुशल नेतृत्व में 300 से अधिक सेवा केंद्र हैं और 400 से अधिक समर्पित बहनें हैं। तो अभी हम दीदी जी से नम्र निवेदन करते, आज का जो विषय है सफल करो और सफलता पाओ, इसके बारे में हमें क्लास कराएं। और अभी एक ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंसीज बताएंगे। तेलुगु 89.5, कन्नड़ा 88। और जिन किसी को दूसरों का पर्स, मोबाइल, कार्ड्स, पैसा मिले वो खोया पाया विभाग में जाके जमा करेंगे और जिनका खो गया है वो खोया पाया विभाग से संपर्क करें, जो डायमंड हॉल में भाइयों के तरफ गेट नंबर 0 के सामने खोया पाया विभाग है वहाँ संपर्क करें। आज सुबह भी गुलबर्गा की एक कस्तूरी माता जी का पर्स गुम हो गया जिसमें उनका आधार कार्ड और कुछ पैसे भी हैं, तो जिनको मिला है ज़रूर खोया पाया में जमा करें। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी एक बार ओम शांति कहेंगे, बाबा को भी आपका आवाज़ पहुंच जाए। ओम शांति, ओम शांति। आज के दिन हम सभी यहाँ पर बाबा के डायमंड हॉल में डायमंड बनने के लिए पहुँचे हैं, पधारे हैं, बैठे हैं, बाबा की याद करके, तीव्र पुरुषार्थ करके बेदाग हीरा बनने के लिए बाबा के अमूल्य रतन सारे भारत देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम विशेष रीति से प्रकृति को भी धन्यवाद अर्पित करेंगे, बारिश के कारण आप सभी एक ही लक्ष्य, एक बाबा, दूसरा ना कोई। और विशेष रीति से आज का टॉपिक सफल करो, सफलता मुहूर्त बनो। और संगम युग में हमारा अंत का पुरुषार्थ नष्टमोही स्मृति स्वरूप होने के लिए आज के दिन बाबा ने विशेष क्या सफल करना, सफल करना माना क्या है, कैसे सफल करना, कब सफल करना, क्या सफल करना, ये आज हमारा लक्ष्य जो है। संगम युग का समय का महत्व भी हम सब जानते हैं, समय को भी जानना है और समय के साथ हमारा पुरुषार्थ क्या होना वो भी हम जितना होते हैं उतना करने के लिए, बाबा से सर्व प्राप्ति पाने के लिए आज के दिन हम थोड़ा चर्चा करेंगे। संगम युग का समय का महत्व तो आप और हम लोग सब समझते हैं। ये पुरुषोत्तम युग है, धर्मावो युग है,
जीवन बनाने का युग है, 21 जन्म का प्राप्ति पाने का समय है। सिर्फ 21 जन्म ही नहीं, 84 जन्मों का हमारा भाग्य क्या होना, कैसे होना, हमारा जीवन में जन्म जन्म का भाग्य कैसे पाना, ये पुरुषार्थ करने के लिए हम सब संगम युग में पहुँचे हैं। केवल इस संगम युग में इस 5000 वर्ष का प्राप्ति ही नहीं, अब पाए तो कल्प कल्प पाएंगे। कल्प कल्प हमारा भाग्य रूपित करने के लिए, पाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। संगम का समय बहुत अमूल्य समय है, अमृत पाने का समय है। ज्ञानामृत से हमारा जीवन पावन बनाने का समय है, पवित्रता जीवन में धारण करने का समय है। बाबा तो ज्ञान सागर, सागर समान अपार ज्ञान दिया है। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। नॉलेज को हमारा जीवन में धारण करना, संगम युग में बाबा जो आदि मध्य अंत का त्रिकाल ज्ञान, त्रिलोक ज्ञान जो देते हैं बाबा, उसको हमारा जीवन का अमूल्य प्रॉपर्टी बना के रखना। बाबा बोलते हैं ना, संगम युग में एक एक का ज्ञान रतन अमूल्य है, वज्र समान है, हमारा जीवन को हीरा बनाने का अमूल्य रतन है। इसको हमारा प्रॉपर्टी समझ के, हमारा जीवन में धारण करके, हमारा हर संकल्प में, हर श्वास में, हर कदम में वो ज्ञान को धारण करना, ज्ञान रतन को हमारा जीवन में श्रृंगार कराना। बाबा कहते हैं ना, सिर्फ अलंकारी मूरत नहीं बनो, अहंकारी मूरत तो बनना ही नहीं है, लेकिन गुणों का अलंकार, ज्ञान का अलंकार और योग का, पवित्रता शक्ति का अलंकार, दैवी गुणों को धारण करने का अलंकारी मूरत बनो, सदाकाल श्रृंगार मूरत बनो। जैसे शिवलिंग के ऊपर शिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं ना, एक एक बूंद वो शिवलिंग के ऊपर टपकते रहते हैं, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे संस्कार में, हमारे जीवन के कण कण में बाबा का ज्ञान टपकते रहना। संगम युग में बाबा सब कुछ सफल करने का सिखा करके हमको सफलता मूरत, दैवी मूरत, सूर्यवंशी का पद देने के लिए, लक्ष्मी नारायण का राज्य का योग्य रॉयल देवता बनाने के लिए बाबा हम सबको संगम युग में ज्ञान दे रहे हैं। सिर्फ प्रजा योग बाबा नहीं सिखाते हैं, राजयोग, राजाओं का राजा बनो, राजा बेटा, राजा बच्चा कहते हैं, विश्व के महाराज बनो, अभी संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनो, तब भविष्य में विश्व का राज्य अधिकार पाएंगे। संगम युग में बाबा हम सबको पवित्र बना रहे हैं, तन पवित्र, मन पवित्र,
संस्कार पवित्र, हमारा आचार विचार पवित्र, हमारा व्यवहार भी पवित्र, हमारा जीवन भी पवित्र, हमारा खान पान भी पवित्र होना चाहिए, वो सब कुछ बाबा संगम युग में सिखा रहे हैं। अमृत वेले से रात तक संगम युग में, जब से हम जन्म लिया है संगम युग में, अलौकिक जन्म, आत्मिक जन्म, ज्ञान का जन्म जब से लिया है, तब से बाबा ने हम सबको वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? योगी भवा, पवित्र भवा। मे यू बी होली, मे यू बी राजयोगी, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बाबा ने एक बार, हमने सुना था, संगम युग में शिव बाबा जो विश्वपिता हैं, जगत के पिता हैं, सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोकों के लिए वो ईश्वर हैं और विशेष महिमा करते हैं, वो जगत का ईश्वर जगदीश्वर हैं, विश्व का ईश्वर विश्व का विश्वेश्वर है, सारी जगत का नाथ है, मालिक है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, जो विश्वपिता हैं। हम सब बच्चों का कल्याण करने के लिए, सारी दुनिया का दुख दूर करने के लिए, और पतित एरौरव नरक जो हैं, जो विषय वैतरणी नदी में सभी मनुष्य डूबे हैं, उन सबको विषय वैतरणी नदी से ऊपर उठाने के लिए फिर से हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए बाबा अवतरण हुआ है। बाबा दया सागर, करुणा का सागर है, सबके ऊपर दया करके हम सबका कल्याण करने के लिए बाबा पधारे हुए हैं। चुन चुन के लेके आए हैं बाबा आप सबको, कोने कोने में रहे हुए बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए बच्चों को लेके आए हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को ऊंच पद लेना है, बाबा तो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बाबा के पास जो कुछ है, सर्वशक्तियाँ, सर्वगुण, सर्वज्ञान, सागर के समान बाबा सब कुछ बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमको लेना है। बाबा कहते हैं ना, एक की बाबा एक तरफ का ज्ञान, सारे विश्व के लिए एक ही विश्वविद्यालय, 9 लाखों या 33 करोड़ हो या 800 करोड़ हो, सबका कल्याण के लिए, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए एक ही शिक्षण, एक ही ज्ञान। हमारा ज्ञान का मुख्य पॉइंट, आदि का पार्ट, अंत का पार्ट एक ही है। कौन सा है? आत्मा समझ करके बाप को याद करो, यही आदि मंत्र है। अंत का मंत्र भी है, आत्मा समझ बाप को याद करो। लेकिन हमको लेना है, लेने के लिए क्या करना? हम लोग समझते हैं हम 10 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम 20 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई कोई तो 40 साल से, 50 साल से, या जब से बाबा इस साकार लोक में अवतरण हुआ है तब से भी बहुत भाई बहने पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं ना, हम तो सबका जमा का खाता देखा। संगम युग में बाबा हम सब के लिए एक अकाउंट, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी का खाता, ये पुरुषोत्तम युग में हम सब के लिए अपना अलग अलग
कल्याणकारी युग में कल्याण का खाता ओपन किया है, लेकिन उसमें हमने क्या जमा किया, कितना खाया, कितना पाया, कितना खर्च किया, कितना खोया। बाबा तो कहते हैं सफल करो, हर फल, हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म में सफल करो, सफल करो। आज गीत भी हमने सुना ना, हमारा श्वास भी सफल करना, हमारा हर कर्म सफल।